हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर UPSC के द्वारा पेपर हुआ था आपका। यहाँ पर 1140 अभ्यर्थियों यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी के पद की परीक्षा दी है। देहरादून में जो है 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इसको यहाँ पर जो है अपडेट रोकने को लेकर तैयार जैमर भी लगाए गए थे। और यहाँ पर देखते हैं कि अभ्यर्थी ने काफ़ी कम संख्या में पहुँचे थे और 418 अभ्यर्थी नहीं पहुँचे थे, तो 1100 में से 400 कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। बात करते हैं रामनगर में जो है रोजगार मेला 29 को, तो यहाँ पर देखते हैं कि रामनगर में जो है सेवाजन रामनगर नैनीताल में आपका यहाँ पर जो है 29 तारीख को रोजगार मेला लगने वाला है और 8 कंपनी युवाओं को जो है यहाँ पर चयन करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट स्तरीय ITI और हाईस्कूल पास सभी लोगों के अपने बायोडाटा यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अग्रिमी भर्ती रैली में जो है 70% युवा शामिल हुए। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिखाया दम, तो पहले दिन जो है चमोली, देहरादून, हरिद्वार पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के युवा दौड़े। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कड़ी दौड़ के बाद यहाँ पर जो है इन्होंने फिजिकल यहाँ पर दिया हुआ है। और आज यहाँ पर जो है 1319 युवा जो है करेंगे रैली में प्रतिभाग, तो रैली में प्रतिभाग 1319 लोग करने वाले हैं फिर से। और दौड़ में सफल युवाओं को यहाँ पर जो है जाँच के लिए आगे बढ़ाया गया, तो आगे बढ़ाया गया है। इसमें यहाँ पर 27 नवम्बर को यानी कि आज यहाँ पर 353 लोग यहाँ पर चमोली के दौड़ेंगे, हरिद्वार के 228 लोग, रुद्रप्रयाग के 251, टिहरी के 290 और उत्तरकाशी के यहाँ पर 179 97, और कुल 1319 लोग यहाँ पर जो है आज दौड़ाए जाएंगे। समर्थ पोर्टल पर भी यहाँ पर जो है बदले जा सकेंगे विषय, तो यहाँ पर देखते हैं समर्थ पोर्टल पर पहले नहीं था विषय बदलने का विकल्प है और अब बदल जाएंगे आपके विकल्प। तो यहाँ पर देखते हैं कि समर्थ पोर्टल पर अब यहाँ पर विषय के बदलाव का जो है विकल्प है मौजूद होने से यहाँ पर जो विद्यार्थियों को राहत मिल रही है। और पोर्टल पर पंजीकरण करते समय जो है चुने गए असंगत विषय को जो है बदलने की सुविधा यहाँ पर मिलने से विद्यार्थी अपने मूल विषय की जो है परीक्षा दे सकेंगे। यह सुविधा जो है मिलने पर जो है 2000 से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ पर जो है साल बर्बाद होने से बच गया है। और बदले जाएंगे विषय, तो यहाँ पर विषय बदलने वाले हैं सारे के सारे और इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर खोल दिया गया है। और 36 महाविद्यालय में BA प्रथम सेमेस्टर के में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी जो है इंतजार कर रहे थे और पहली बार जो है समर्थ पोर्टल के जरिए प्रवेश ले रहे कई विद्यार्थियों ने जो पंजीकरण करते समय गलती से यहाँ पर जो असंगत विषय का चुनाव किया था। रिजल्ट मिलेगा जल्द, महाविद्यालय में बनेंगे केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र। तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्य में जो है 3 विश्वविद्यालय में केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था का जो है एकीकृत ढांचा बनाने को तैयार है और समर्थ पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था की यहाँ पर जो है होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। और बताया गया है कि हर अब रिजल्ट जो है आपको महाविद्यालय में देखने को मिल जाएगा, जो 3 महाविद्यालय की बात करी गई है। और तो इस बार जो है 25,000 जो अभ्यर्थी हैं मतलब विद्यार्थी हैं देंगे NPE के तहत परीक्षा। तो 25,000 यहाँ पर कौन विश्वविद्यालय में कैंडिडेट हैं जो अभी पहली बार जो NPE ने जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई थी उसके तहत यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं। और कल से जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो कल से शुरू होने वाली परीक्षा है। बात करते हैं यहाँ पर जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आप यहाँ पर जो है पोस्ट कर देते हैं, ब्रूसर की पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरे क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ठीक है, लास्ट डेट अगर बात करूँ यहाँ पर देख सकते हैं, और ठीक है 23 दिसंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है और वेबसाइट के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। वाडिया हिमालयन हिमालय भू विज्ञान संस्थान, यहाँ पर जो है पोस्ट निकाली गई है कनिष्क शोध अभियंता, 2 पद हैं, कनिष्क शोध अध्येता 1 पद है, सॉरी अध्येता है दोनों दोनों, तो ये आपके जो है 2 पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए आप वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं बात करें पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा में अगर आपको इंटरेस्ट है तो बनने का, तो आपको यहाँ पर डीएड करना पड़ेगा। तो डीएड के लिए जो है प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के लिए आपके पास जो परीक्षा कराई थी उसमें सफल जो कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग के उपरांत जो है जनपद आवंटन के पश्चात जो है प्रवेश तिथि जो है विस्तार करने संबंधी सूचना, यानी कि जिनका प्रवेश होना था उनके लिए जो है विस्तार कर दी गई सूचना, और 28 नवंबर इसकी निर्धारित की जाती है। और पूर्व में जो है यहाँ पर शेष जो है शेष रहेंगे बताया गया, तो 28 तारीख तक यानी कि कल तक का समय दिया गया है। जिन लोगों ने 25 तक नहीं कर रखा है यहाँ पर ज्वाइन, वो 28 नवंबर तक कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड जॉब अलर्ट, तो कर्मचारी चयन आयोग ने जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF, जो आपका सी
एसएफ में जो है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जेडी, और आसाम राइफल में जो है राइफलमैन जेडी की जो यहाँ पर है 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 26,146 पदों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर की रात तक यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी तक 1 तारीख तक जो है ऑनलाइन में फीस शुल्क लगा सकते हैं आप, यहाँ पर कर सकते हैं आवेदन 26,000 पदों के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10th पास होना जरूरी है। उत्तराखंड में चिकित्सा चयन बोर्ड ने यहाँ पर जो है एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भर्ती निकाल दी। समूहों के अंतर्गत पदों की संख्या टोटल 34 है। इसके लिए यहाँ पर वेतन ग्रेड काफ़ी अच्छा है, सामान्य जाना उससे स्टार्टिंग है, और इसमें आप देख सकते हैं पदों की संख्या आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 26 दिसंबर रखा गया है, और यहाँ पर जो है 26 दिसंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट यहाँ पर रखे गए हैं UKMSSB, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आज के जॉब अपडेट को लेकर, तो IB में यहाँ पर निकाले गए हैं 995 पदों पर। ग्रेड 2 लेवल की पोस्ट है जो कि IB में 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आवेदन कर जरूर करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में यहाँ पर 59 पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 16 दिसंबर तक का। और गेल में जो है अभ्यर्थी करें आवेदन, 12 पदों के लिए आवेदन करने के लिए बोला गया है, इसके 30 नवंबर तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर PGCIL में 203 पदों के लिए रोजगार की पोस्ट निकाले गए हैं, इसके लिए जूनियर टेक्नीशियन के पद हैं, इसके लिए आप 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्लाज्मा संस्थान अनुसंधान संस्थान 22 पद निकाले गए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 18 दिसंबर तक का। NHAI में नौकरी की संभावना है, 10 पद की पोस्ट निकाली है, 14 दिसंबर तक आवेदन पदों के लिए भी आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो विभिन्न पदों के लिए नोटिस जारी, तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। सहायक प्रबंधक है, कार्यकारी सहायक है, 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, और अधिकारी वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं इन पदों के लिए भी। तो इस तरह की पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं।